और इस वक्त एक बड़ी खबर, एसडीएम थप्पड़ कांड को लेकर नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी खबर, उनियारा में एसडीएम को थप्पड़ मारने के मामले में पुलिस ने आरोपी नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया है। टोंक के समरावता गांव से उसे गिरफ्तार किया गया है। नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ मारा था। उनियारा में एसडीएम को थप्पड़ मारने का मामला, जहां आरोपी नरेश मीणा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, टोंक के समरावता गांव से उसे गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपी नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए देवली से संवाददाता कमलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमलेश, नरेश मीणा को गिरफ्तार करने की खबर आ रही है। हाँ, नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया है और ये तो सुबह से और रात से लगातार चल रहा था कि नरेश मीणा को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। जिस तरह का कल का घटनाक्रम रहा उसको देखते हुए पुलिस प्रशासन पर लगातार दबाव बना हुआ था, तो नरेश मीणा को गिरफ्तार तो होना ही था और वो भी चाहता था, जानता था कि मुझे गिरफ्तार पुलिस करेगी और उसने लेकिन इस चीज को पूरे राष्ट्रीय स्तर पर अपने हाईलाइट करने के उद्देश्य से उसने सारी रणनीति के तहत इस तरह का घटनाक्रम उसने किया है जो लोकतंत्र में किसी भी प्रकार के शोभा नहीं देता है। जी कमलेश, क्या सिर्फ नरेश मीणा को ही गिरफ्तार किया गया है या उनके साथ किसी और को की भी गिरफ्तारी हुई है? अभी नरेश मीणा को गिरफ्तार किया गया है, उसके साथ जो उसके कुछ समर्थक हैं उनको भी हिरासत में लिया गया है ताकि वो उपद्रव नहीं मचा सके और उसमें क्षेत्र में अशांति नहीं फैलाए, समरोता गांव में शांति बनी रहे। इसी को देखते हुए नरेश मीणा को तो गिरफ्तार किया ही है, उसके साथ ही उसके कुछ समर्थकों को भी गिरफ्तार किया गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए कमलेश। तो बता दें कि आरोपी नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया है, कुछ समर्थकों को भी हिरासत में लिया है।